आपके स्वागत में तले पावड़े बिछा करके आज यहाँ मौजूद है आदरणीय वसुंधरा जी, हमारी जनप्रिय नेता, हमारी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे फिर से निकल पड़ी हैं राजस्थान में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए। चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन वसुंधरा को ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर अभी से सियासी रफ्तार को तेज नहीं किया गया तो सामने वाले विरोधियों से ज्यादा अंदर वाले लोग ही लंगड़ी मार कर गिरा देंगे। लिहाजा वसुंधरा राजे अब उन जिलों का दौरा कर रही हैं जहां पार्टी के पदाधिकारियों या फिर कार्यकर्ताओं के परिवार में कोरोना की वजह से जनहानि हुई थी। अब राजे उनके घर जाकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रही हैं, साथ ही जनता के बीच फिर से अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में महारानी अलवर पहुंची थीं, जहां पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय जीतमल जैन के घर पहुंची, उनके परिजनों से मुलाकात की, पूर्व विधायक की तस्वीर को हाथ जोड़कर नमन किया। इस दौरान वसुंधरा राजे का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सत्कार भी किया। राजनीति की बात यहाँ नहीं है, ये जो रिश्ता है वो फिर से उस रिश्ता को जोड़ने आई हूँ। ये रिश्ता हमारे परिवार का है, ये रिश्ता आपका और हमारा है, ये रिश्ता हम सबका है, इसमें कोई जाति नहीं है। इसमें 36 के 36 जातियां हैं और वो सब आपके हैं, वो सब हमारे हैं, वो सब एक परिवार है, भूलो मत। आजकल की राजनीति बहुत ही, मैं तो ये देखती हूँ कि आज की राजनीति के अंदर हम एक दूसरे की खिलाफत कैसे करें, कैसे एक दूसरे को नीचे खींचें, कैसे जाति को उसमें इस्तेमाल करें, कैसे उसमें मजहब को इस्तेमाल करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन हिम्मतदार है जो ये कहेगा इन सबको छोड़ के 36 के 36 को छाती से लगाएंगे और सब मजहब को साथ में लेके चलेंगे, वो कौन साहसी व्यक्ति आज है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देख वसुंधरा भी गदगद थी। महारानी ने मंच से तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब जनता के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, हमें राजस्थान की तस्वीर बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि आज वो अपने साथियों के साथ खड़ी रहने के लिए आई हैं, न कि किसी सियासी प्रोग्राम का हिस्सा बनने। राजे ने अपने समर्थकों से अपना साथ देने की अपील की तो हर हाल में उनके साथ खड़े रहने का वादा भी किया। कोई मुसीबत आ जाती है तो मुझे ये बताओ कि आपके साथ खड़े होने वाले आपके ये सब पूरे परिवार के लोग आप चाहते हो कि नहीं? आप चाहते हो कि एक आवाज में हजारों की संख्या में आपके साथ खड़े हो जाएं आपके आंसू पोंछने के लिए? हम लोग सब यही चीज चाहते हैं, और अगर वाकई में ये चाहते हैं तो 1000 को 500 में नहीं, 500 को 250 में नहीं, 250 को 125 में नहीं, और 125 को और उसको सवा 31 और उसको हमको बांट। मैं कहने का मतलब इतना ही है, हमें बांटना नहीं है, हमें बांटना नहीं है, हमें सबको साथ में लेके चलना है, हमको जोड़ना है, हमारी ताकत को 1 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ाते ही रहना है। प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल वो अपनी ही पार्टी में हाशिए पर हैं, लेकिन राजे ने भी हार नहीं मानी है। राजे के साथ मंच पर अशोक परनामी जैसे नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कालीचरण सराफ और राजेंद्र सिंह राठौड़ पहले से ही महारानी के साथ उनका झंडा बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर बीजेपी आलाकमान को भी महारानी की भूमिका निश्चित करने पर विचार करना पड़ जाए, क्योंकि वसुंधरा ऐसा मानती हैं कि सियासी कार्यक्रमों में शिरकत करना, अपनी तस्वीरें पोस्टरों में लगवाना, ऐसा तो वो करते हैं जो जनाधार तलाशते हैं, और राजे तो वो हैं जो जनता के दिलों पर राज करती हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।